नमस्कार दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों में MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन का अपडेट है वो यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइस में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट है वो कौन कौन से डिवाइस में रिलीज हो चुका है, एज वेल एज गाइस अगर आपको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारी बातें आपको आज की इस वीडियो पता चल जाएगी। तो मेक श्योर गाइस आप हमारे चैनल टेक्स को सब्सक्राइब कर दे फॉर लेटेस्ट अमेजिंग MIUI 12, MIUI 12.5 और MIUI 13 वीडियो देखने के लिए। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं Redmi 9 Prime। जी हाँ गाइज, यहाँ पर जो Redmi 9 Prime है वो इंडिया में है, एज वेल एज गाइज Redmi 9 इसका ग्लोबल नेम है। तो गाइज फाइनली उसमें भी आपको MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का अपडेट है वो यहाँ पर कल रिलीज हो चुका था। जो अपडेट था गाइज वो था 12.5.3.0। तो गाइज यहाँ पर Redmi 9 ग्लोबल में जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर Redmi 9 Prime मीन्स Redmi 9 ग्लोबल में रिलीज हुआ है एनहांस एडिशन, तो गाइज आपको यहाँ पर इंडिया में कुछ ही दिनों में जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। मान के चले गए आपको यहाँ पर 10 से 15 दिन में जो अपडेट है एनहांस एडिशन का वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप Redmi 9 Prime यूजर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे कि आपके पास भी यहाँ पर Redmi 9 Prime है। अब इसके बाद गई यहाँ पर जो Redmi Note 9 ग्लोबल डिवाइस है उसमें भी गई यहाँ पर एनहांस एडिशन का जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो गई काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है कि जो Redmi Note 9 है उसमें भी यहाँ पर अपडेट को रिलीज़ किया गया है। तो गाइस ये ग्लोबल वेरिएंट है, अगर आपके पास यहाँ पर Redmi Note 9 इंडियन वेरिएंट है तो आपको 10 दिन में जो अपडेट है वो यहाँ पर धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये सभी अपडेट की जो लिंक है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आता है Redmi Note 8 Pro। तो गाइस यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में जो अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली रिलीज हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको साथ ही साथ अक्टूबर 2021 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास है Redmi Note 8 Pro तो उसमें भी गाइस MIUI 12.5 का जो लेटेस्ट अपडेट है 12.5.5.0 वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो जरूर गाइस इस अपडेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस इसके बाद आता है पोको X3 इंडियन डिवाइस। तो गाइस यहाँ पर भी आपको 12.5.3.1 का अपडेट है उसको रिलीज़ किया गया है। तो गाइस काफ़ी सारे Xiaomi डिवाइस में MIUI 12.5 एज वेल एज यहाँ पर MIUI 12.5 एनहांस एडिशन को रिलीज़ किया गया है। अब गाइस यहाँ पर पोको M3 प्रो ग्लोबल में भी यहाँ पर MIUI 12.5 का जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिलीज़ किया गया है। तो काफ़ी सारे इंडियन यूज़र है जिसको पोको M3 प्रो में अपडेट चाहिए, तो गाइस उसको भी आपको जरूर नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पर पोको M2 प्रो में भी एनहांस एडिशन का जो अपडेट है उसको रिलीज़ किया गया है। अगर Redmi Note 7 प्रो यूज़र हो इंडियन यूज़र तो गाइस उसमें भी 12.5.1 का एनहांस नहीं बट MIUI 12.5 का अपडेट को रिलीज़ किया गया है। और फाइनली गाइस यहाँ पर Redmi 8A डिवाइस में भी MIUI 12.5 का लेटेस्ट अपडेट 12.5.2.0 को रिलीज़ किया गया है। तो गाइस काफ़ी सारे Xiaomi डिवाइस में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। अब गाइस यहाँ पर आखिरी डिवाइस रह जाता है वो है Redmi Note 9 Pro Max Edition। तो गाइस इसमें भी आपको लेटेस्ट अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। अब गाइस जो भी डिवाइस में MIUI 12.5 एनहांस एडिशन को रिलीज़ किया गया है उनमें खास फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो है मेमोरी एक्सटेंशन। जी हाँ गाइस, अगर आपको यहाँ पर MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है तो उसमें गाइस आपको लेटेस्ट मेमोरी एक्सटेंशन का एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है जहाँ पर आप MIUI 12.5 एनहांस एडिशन को अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस काफ़ी सारे डिवाइस में यहाँ पर MIUI 12.5 एनहांस एडिशन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए ग्लोबल डिवाइस, चाइना डिवाइस, यूरोप डिवाइस, इंडियन डिवाइस और सभी रीजन की। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको चाइनीज डिवाइस या चाइनीज रीजन देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इग्नोर। इसके बाद गाइस आता है MIUI 12.5 एनहांस एडिशन फॉर ग्लोबल रीजन। तो गाइस ग्लोबल रीजन आप चेक कर लो, जब ग्लोबल में आ जाएगा तो आपको यहाँ पर विद इन 15 to 1 month में जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं Redmi 9, Redmi Note 9, MI 10T Lite, इन सभी डिवाइस का गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर लिस्ट हमारे सामने आ चुका है। अभी इसके बाद गाइस आता है MIUI 12.5 एनहांस एडिशन फॉर इंडियन डिवाइसेस। तो MI 11X में गाइस देख सकते हैं 1, 2 और 3 अपडेट यहाँ पर रिलीज हो चुका है। इसके बाद MI 11X Pro और MI 10T Pro इन सभी डिवाइस में रिलीज हो चुका है। इसके बाद भी गाइस काफ़ी सारे यहाँ पर डिवाइस शामिल हुए हैं। अब गाइस आपको चेक करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जाना है। तो गाइस आपको यहाँ पर जो अपडेट है 23 अक्टूबर यानी कि आज ही का डेट हमने यूज़ किया है, तो कौन कौन से डिवाइस में रिलीज हुआ है उसका पूरा लंबा
लिस्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आई होप गाइस काफी सारे डिवाइस में MIUI 12.5 एनहांस एडिशन आ गया, उसका आपको इन्फॉर्मेशन सही से पता चल गया। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।